बिहार में कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। केसी त्यागी के संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलने से जेडीयू एनडीए में खटपट इतनी बढ़ गई कि उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से ही हाथ धोना पड़ा। दरअसल केसी त्यागी ने भाजपा के कुछ वैचारिक मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाया था, जिससे गठबंधन में समस्या उत्पन्न हो गई और केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा। केसी त्यागी के इस्तीफे पर जेडीयू के एक सीनियर नेता ने बताया, वो पार्टी के एक बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दों पर पार्टी लाइन के बारे में आलाकमान से पूछे बिना बयान देना शुरू कर दिया था। लेटरल एंट्री और यूसीसी जैसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, पार्टी नेतृत्व के विचारों को जाने बिना दिए गए कड़े बयान गठबंधन में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दरअसल केसी त्यागी ने हाल ही में इजराइल हमास युद्ध पर विपक्षी नेताओं के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था, विदेश नीति के मुद्दों पर सहयोगी दलों के रूप में सरकार के साथ चलना एक नियम है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं और केंद्र सरकार बहुत सारे कारकों पर विचार करने के बाद एक रुख अपनाती है, ये हमारी चिंता का विषय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर विपक्षी नेताओं के साथ भोजन का आयोजन कर रहे हैं, वो भी ठीक है जब तक ये व्यक्तिगत हैसियत से किया जाता है, लेकिन आप विपक्ष के साथ संयुक्त बयान जारी कर रहे हैं। बैठक के बाद इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकने के लिए भारत से आग्रह करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इस पर त्यागी, अली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों और नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा केसी त्यागी ने लेटरल एंट्री और जातिगत जनगणना मामले पर भी सरकार के विरुद्ध बयान दिए थे, जिसने एनडीए के भीतर पार्टी को मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। लेटरल एंट्री मुद्दे पर त्यागी ने कहा, सरकार ने विपक्ष के हाथों में हथियार दे दिया है और इस कदम से राहुल गांधी वंचित वर्गों के चैंपियन बन जाएंगे। इसके अलावा जातिगत जनगणना, यूसीसी के मुद्दों पर भी उनकी बयानबाजी जेडीयू को नहीं भाई। हालांकि पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि बीजेपी की ओर से कोई दबाव नहीं था और ये फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब जेडीयू खुद को उस सरकार में बीजेपी के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के लिए अधिकतम केंद्रीय लाभ हासिल करने के लिए पार्टी एक विश्वसनीय गठबंधन सहयोगी बनने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते केसी त्यागी से इस्तीफा ले लिया गया और अब राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।